हेलो फ्रेंड्स, सो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ BYD के युआन अब इलेक्ट्रिक SUV के बारे में, जो कि अपने ऑफिशियल लॉन्च डेट से पहले जो है वो निकाउट हो गए हैं। एंड फिलहाल जो है जो कि हमें चाइना के अंदर देखने को मिलती है, एंड ग्लोबली ये हमें 2025 तक जो है वो देखने को मिलने वाली है। एंड फ्रेंड अगर मैं इसके डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ, तो फ्रेंड ये हमें जो BYD की हमें एटो 3 देखने को मिलती है उसकी जैसे ही देखने को मिलेगी। एंड इसके अंदर हमें SUV स्टाइलिंग एंड फ्रेंड साथ ही में हमें जो इसका फ्रंट फेशियर देखने को मिलता है, जो कि हमें स्लीक लुक नो उसके साथ, जिसके अंदर हमें सेट बैक हेडलैम्प सेटअप एंड एनक्लोज ग्रिल देखने को मिलती है। एंड इसके अंदर हमें लोअर एयर डैम, जो कि हमें बजियर लुक के साथ, एंड इन्वर्टेड यू शेप एलिमेंट, जो कि हमें इसके स्लीक साइड वेंट्स के साथ जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड अगर मैं इसके इंटीरियर के बारे में बात करूँ, तो फ्रेंड इसके अंदर हमें जो BYD की हमें ऑटो 3 के अंदर इंटीरियर देखने को मिलता है, उसके जैसे सिमिलर डैशबोर्ड जो हमें देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर हमें बिगर स्क्रीन्स देखने को मिलेगी। एंड अगर मैं इसके रियर एंड के बारे में बात करूँ, तो फ्रेंड्स के रियर में भी हमें एलईडी लाइट बार, जो कि हमें कार के विंड जितना, एंड इसके अंदर हमें परमानेंट स्की प्लेट, जो कि हमें इसके रियर बम्पर के ऊपर ही जो है हमें देखने को मिलेगी। पावर ऑप्शन के बारे में बात करूँ, तो फ्रेंड इसके अंदर हमें 2 पावर ऑप्शन, 70 kW की मोटर जो कि हमें इसके एंट्री लेवल मॉडल में, एंड 130 kW की मोटर जो कि हमें इसके मोर पावरफुल वेरियंट के अंदर जो है हमें देखने को मिलेगी। एंड फ्रेंड ये हमें सिंगल चार्ज के अंदर 400 km की ड्राइव रेंज के साथ जो है देखने को मिलने वाले है। तो फिलहाल तो इसके बारे में इतने स्पेसिफिकेशन एंड जो फ्यूचर से वही देखने को मिलते हैं। एंड गाइस और भी अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो जल्दी में एक और न्यू वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। एंड फ्रेंड इसी वर्ष अगर आपको हमारे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने हो, तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।